हेलो और वेलकम टू आसान है एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया के बारे में। ये 15th चैप्टर है NIOS बुक की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की। चलिए देखते हैं। द चैप्टर स्टार्ट्स विथ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। हियर अ मोना अ गर्ल आस्क टू हर टीचर कि मैम, मैं हमेशा सुनती हूँ कि US में प्रेसिडेंट हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, USA के, बट ऐसा केस इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया का तो PM न्यूज़ में रहता है हमेशा और USA का प्रेसिडेंट न्यूज़ में रहता है। तो टीचर रिप्लाइज, यस यू हैव नोटिस्ड एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। आपने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस डिफरेंस किया है, क्योंकि हर देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिफाइन करता है कि वहाँ का गवर्नमेंट कैसे चलेगी। जैसे US में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। सो US में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया में पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इन द पार्लियामेंट्रियन PM इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो इन इंडिया PM इज़ ऑलवेज इन द न्यूज़ एंड इन USA प्रेसिडेंट इज़ ऑलवेज इन द न्यूज़। देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। After studying this lesson, you will be able to explain how the constitution is the basic and fundamental law as well as a living document. आप explain कर पाएंगे constitution क्या होता है and why constitution is so basic and fundamental and why Indian constitution is known as a living document. क्योंकि हम इसको amend कर सकते हैं at our own convenience. हम एनालाइज करेंगे द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइडेंटिफाई द कोर वैल्यूज़ रिफ्लेक्टेड इन इट। हम प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो कोर वैल्यूज़ दिए हुए हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ओके। हम अप्रिसिएट करेंगे द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ दैट परमिएट द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी विल ऑल्सो स्टडी द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल ऑल्सो एग्जामिन द नेचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। In this chapter, we will also discuss the federal system of India, why India is known as a federal country and the parliamentary form of government as well, okay. So let's start. First of all, we will discuss what is the constitution of India, okay. Or what is a constitution? For that matter, let us understand what is a constitution, okay. So see, constitution means a set of fundamental principles, basic rules and established precedents, means standard or instances. Constitution identifies, defines and regulates various aspects of the state and the structure, power and functions of the major institutions under the three organs of the government, the executive, legislature and judiciary. Constitution also provides for the rights and freedom of the citizens as and spells out the relationship between individual, citizen and government. So basically constitution kya hota hai? Constitution ek set of fundamental principles, basic rule hote hain, जो डिफाइन करते हैं हाउ द वेरियस एस्पेक्ट आर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल रन। एंड वी नो दैट देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उनके बीच में क्या रिलेशन होगा एंड हाउ दे विल फंक्शन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, ठीक है, और रिलेशनशिप कैसा होगा इंडिविजुअल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक लॉज विच डिफाइंस हाउ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री विल फंक्शन एंड व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट आर द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट, ओके। अब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। देखिए, अ कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन आर अनरिटन। सो कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप होते हैं? दो, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसी देश का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज़ बीन कोडिफाइड इन अ बुक, एज फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कोडिफाई किया गया है। सो इंडिया इज नोन एज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसके लॉज को, लॉज तो बने हैं बट दे आर नॉट कोडिफाइड इन टू अ सिंगल बुक, सो दे आर नोन एज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अ कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन आर अनरिटन बट इट कंटेन्स फंडामेंटल लॉज ऑफ द लैंड, इट इज ऑल्सो द सुप्रीम एंड अल्टीमेट अथॉरिटी। एनी डिसीजन आर एक्शन विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनलॉफुल। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और अनरिटन हो सकता है, ये फंडामेंटल लॉज ऑफ द लैंड कंटेन करता है, इट इज द सुप्रीम एंड अल्टीमेट अथॉरिटी। और गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है दैट विल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायड बाई द
जुडिशरी इन दिस कंट्री, ओके। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू अवॉइड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर पे लिमिट भी लगाता है कि गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल वायलेट नहीं कर सकती, अदरवाइज द गवर्नमेंट ऑफ द डे विल टर्न इनटू एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, ओके। देखिए, मोर ओवर इट इज नॉट अ स्टैटिक बट अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को? बिकॉज इट नीड्स टू बी अमेंडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू कीप इट अपडेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि इसको समय समय पे अमेंड किया जाता रहता है समय की जरूरत पड़ने पर, ठीक है। इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स इट टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, द नीड ऑफ टाइम एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, द नीड ऑफ द टाइम एंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी। बट यू नो इन यूके द यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज unwritten constitution because it is largely unwritten and uncodified. It was not framed as a complete statement like the constitution of USA or Indian constitution. The constitution of USA and Indian are written. So अगर unwritten constitution की बात आती है तो आप UK constitution का example दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे laws तो बने हैं but they are not codified into a single book. But as far as constitution of USA and India are considered, they are written constitution because all the laws and all the they are codified into a सिंगल बुक, सो दे आर नोन एज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और कुछ देख लेते हैं, देखिए, हैव यू सीन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सी, दिस इज द बुक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द बुक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। एंड व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बींग मेड, the process of constitution making was greatly influenced by the following factor. What were the factors that were taken into consideration? The aspirations generated during the long drawn freedom struggle, the constitutional and political changes that took place during the British rule, the ideas and thoughts of Mahatma Gandhi, popularly known as Gandhism, the socio-cultural ethos of a country, and the experience of the functioning of constitutions in other democratic countries in the world. And the constitution of India came into effect on 26th January 1950. And since then we celebrate this day as a Republic Day every year. Okay? Hamara Indian constitution effect mein kab aaya tha? 26 January 1950 ko. Aur isiliye hum Republic Day is din manate hain. Ab ek interesting fact dekh lete hain. The Constituent Assembly began to prepare the Constitution on 9 December 1946. Dr. Rajendra Prasad was elected as its president on 11 December 1946. Dr. Baba Sahab Ambedkar was the chairman of drafting committee. The Constitution met for 166 days spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days. The making of the Constitution was completed on 26 November 1949 when the Constituent Assembly adopted the draft Constitution of India. ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट चुने गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 साल 11 महीने 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में सफल रही थी। एंड फाइनली ऑन 26 नवंबर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, ओके। और देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव। इट हैज प्रोविजंस रिगार्डिंग द टेरिटरीज दैट इंडिया विल कंप्राइज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एट यूनियन एंड लोकल लेवल, सेवरल अदर एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इट डिफाइंस इंडिया एज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड सेकुलर रिपब्लिक, ओके। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स the territories that India will comprise, the citizenship, fundamental right, directive principle of state policy, fundamental duties, the structure and functioning of the government at union, state and local level, several other aspects of political system. Or constitution define karta hai India ko as a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. It has provisions for bringing about social change and defining the relationship between individual and citizen of the state, okay. So, इतना प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज दैट डिफाइंस हाउ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल वर्क, फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और
कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे. ठीक है, ओके. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ विच कॉन्स्टिट्यूशन? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई ड्राफ्टिंग कमिटी आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इट नीड्स टू बी अमेंडेड एज पर द चेंजिंग एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. द 26th जनवरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज रिपब्लिक डे बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू 26 जनवरी 1950. ठीक है, सो ये कॉन्स्टिट्यूशन से. तो इस वीडियो में हमने क्या जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप का होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी हैव सॉल्व्ड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. ओके, इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स वी विल डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स. ओके, इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर व्हाट वी विल डिस्कस फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर वॉचिंग दीज लेक्चर्स, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर गिवेन आफ्टर अ टॉपिक. ओके, सो योर कॉन्सेप्ट विल गेट मोर क्लियर. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे.